राजीव जेटली। हाँ, मैं हैरान हो रहा हूं कि आप अभी भी बोल रहे हैं। बादल साहब, अभी तो आपको चुप रहना चाहिए था, इस टीवी के ऊपर शांति से बैठ करके मौन व्रत रखना चाहिए था और कम से कम ये संदेश देना चाहिए था कि मैं आहत हूं, मेरे को पीड़ा है इस बात की कि मेरे प्रदेश की मुख्यमंत्री किस तरीके से हत्याएं, बलात्कार और इस तरीके के कुकर्म करवा रही हैं। आपको माफी मांगनी चाहिए थी, आपको अपील करनी चाहिए थी सबसे कि ऐसी राजनीतिक पार्टी, जिस राजनीतिक पार्टी के अंदर इस तरीके का माहौल बन जाए कि दूसरी राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ताओं की भी बलि चढ़ा दी जाए। लगभग 40-50 लोग हमारे मार दिए गए हैं इस बात के ऊपर, क्योंकि वो एक राजनीतिक पार्टी और एक विचारधारा से जुड़े हुए थे। एक घर के अंदर बच्चों को जिंदा जलाया जाता, किस तरीके की तस्वीरें सामने आई हैं, उसके बाद भी देखिए बेशर्मी की हद, वहां पोस्टर लगाए जा रहे हैं, उनका वेलकम किया जा रहा है, वेलकम ऐसे किया जा रहा है जैसे वो कोई जंग जीत करके आई है। अब इस परिस्थिति के अंदर जिस परिस्थिति में हाई कोर्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट बार बार इस बात को कह रहा है कि मुझे फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट चाहिए, मुझे इंडिविजुअल्स की रिपोर्ट चाहिए, मुझे उन लोगों को सुरक्षा देनी है जो विटनेस है इस केस के, उसके बावजूद जो रिपोर्ट पेश की जा रही है, हम नहीं, हाई कोर्ट ही उसके ऊपर उंगली उठा रहा है कि आपका प्रशासन मैनिपुलेटेड रिपोर्ट पेश कर रहा है। इसका मतलब आपने प्रशासन को हिदायत दी है कि इस कत्लेआम में जो भी झूठ सामने रखा जा सके हाई कोर्ट के, वो झूठ रखा जाना चाहिए। अब ये देखिए हाई कोर्ट कह रहा है, सीबीआई कहती है हम इन्वेस्टिगेशन करने के लिए तैयार है, उसके ऊपर इनकी सरकार मानने को लिए तैयार नहीं है। तो आप सोचिए कौन मर रहा है वहां पर, बंगाल की बदनामी की बात कर रहे हैं, बंगाली की हत्या करके बंगाल का कहां से आप सम्मान बढ़ा रहे हैं, बताइए। बंगाल की हत्या करने के बाद, बंगाली की हत्या करने के बाद बंगाल को कहां लेकर लेके जाएंगे? यही दीदी है ना, हर जगह पहुंचती है, किसी दूसरे प्रदेश में छोटा सा भी घटनाक्रम हो जाए तो वहां पहुंचती है। एंसर भी ले लीजिए। हाँ, बोल लीजिए, बोल लीजिए आप, बोल लीजिए बादल देवनाथ, बोलिए बोलिए। ये देखिए, ये स्वागत द्वार बना है, ये स्क्रीन पर है, ये स्वागत द्वार। लखीमपुर में जो हत्या हुई, गाड़ी से कुचल दिया गया, अजय मिश्रा आप जिस दिन लखीमपुर की डिबेट होगी मैं जरूर डिबेट करूंगा। अजय मिश्रा का बेटे दलीप यादव को हत्या, थोड़ी सी तो शर्म आनी चाहिए बादल साहब, बादल देवनाथ क्या बात कर रहे हैं, थोड़ी तो शर्म होनी चाहिए। कैसे निकाला अंदर दलीप यादव को बोलता था, कैसे निकाला, किसान आंदोलन भाई निकाले, किसान आंदोलन दिल्ली में शव निकाले, 700 के ऊपर लोग मर गए। आप 25-26 का बात करें, 700 लोग क्या मर गए, आप शर्म आनी चाहिए। 5 लाख करोड़ किसान आत्महत्या किया, दीदी तो शर्म बैठ के खा गई। 2022 तक उन्होंने तो कोरोना काल में शर्म बैठ के खा गई, तो सड़क पर नहीं गई, सीबीआई को किसी को मानने को तैयार नहीं है। कोरोना में मर गए लोग, आप लाखों लाखों लोग मर गए, देश को बर्बाद किया आप लोगों ने। नहीं, क्या नारा देने के लिए आपने इनको बोला था, किया जाता है बराबर नारा देने के लिए आपने वक्त दिया है, जवाब देने के लिए वक्त दिया है, गाने को गा रहे हैं, समाज के लिए काम करते हैं, लेकिन बात का जवाब दीजिए, हाई कोर्ट समाज के लिए काम नहीं करते, इसलिए बंगाल की जनता न्याय मांग रही है, उसका जवाब दीजिए। ये नारे मैं बार बार कह रहा हूँ, क्यों वक्त खराब करवा रहे हैं? आप लोग स्वागत करते हैं देश के नेता, राजीव पार्टी के नेता ऐसे मोदी स्वागत करते, ऐसे लुकाल लोग बोलना क्या चाह रही है तो बता दो यार मुझे, मैं उसी का जवाब दे दूंगा, कहना क्या चाह रहे हो? स्वागत किया गया, भला हाई कोर्ट गलत कह रहा है, सीबीआई गलत कह रही है, बंगाल की जनता गलत कह रही है, लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, ममता बनर्जी, ममता बनर्जी तो बार बार बोल रहा है। नहीं नहीं, आप बताइए तो सही, दूसरे का घर पे हमारे कार्यकर्ता को मार रहे हैं, मार रहे हैं, बताइए क्या हर प्रदेश के अंदर चुनाव है, हार और जीत चलती रहती है, अगर आप जीत गए ऐसा आपने माहौल बना दिया वहाँ पे, अगर हमारी सरकार वापस आई तो आपको जिंदा जला दिया जाएगा, जान छोड़ आपको पेड़ों से लटका दिया जाएगा, सब महिलाओं की हत्या कर दी जाएगी, उनके बलात्कार कर दिया जाएगा, ये माहौल बनाया आपने बंगाल के अंदर। आप लोग ऐसा कौन सा, ऐसी कौन सी पॉलिटिकल पार्टी होती है भाई, ऐसी कौन सी पॉलिटिकल पार्टी होती है, कौन सी ऐसा नेता और नेत्री हो सकती है जो अपने ही प्रदेश के लोगों को जिंदा जला देती है और बार बार आप लोग हारते हैं? नहीं, आप अपने ही प्रदेश के लोगों को जिंदा जला रहे हैं, उसके बाद बंगाल की बात कर रहे हैं, अपने ही प्रदेश के हैं आपके, बंगाली है ना वो, जिंदा जला रहे हैं, कौन है वो, कौन है वो, लोग जलाने वाला कौन है? नहीं नहीं, मैं तो पहले से बार बार, मैं 2-3 साल 7 साल से बयान बोल रहा हूँ, 34 साल में लेफ्ट में जैसा अत्याचार किया, उसके बाद 2-3 साल पहले एक को नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने आपकी रिपोर्ट, छोड़िए, लड़ने से फायदा नहीं है, वो थाम के बैठे हुए बादल देवनाथ, बदले में जला दिया वो क्या करें भाई, उनकी गलती थोड़ी ना, बदले में जला दिया, वहाँ बदले की राजनीति चलती है भाई, वो बादल देवनाथ कह तो रहे हैं राजीव जेटली, आपको समझना होगा। ठीक है बादल जी, मैं आपके साथ हूँ, बादल देवनाथ ने आपके साथ भाई, आपके एक नेता की हत्या होगी, बदले में आप जला दिए, क्या बुरा किया, क्या दिक्कत है? सही बात, मैं आप लोगों के साथ हूँ, आपका पक्ष यही है ना कि भैया हमारे एक नेता की हत्या होगी, बदले में हमने 8 जला दिए, क्या बुरा किया, महिलाएं बच्चे जला दिए, घर फूंक दिए, लॉ एंड ऑर्डर तो वैसे भी सूली पर लटका हुआ है बंगाल में,
आप ये कहना चाह रहे हैं ना, एक हमारे नेता की हत्या हो गई, बदले में 8 जला दिए, क्यों हमारे पे सवाल पूछ रहे हैं आप? नहीं आमन जी, आपके नेता की भी हत्या क्यों हुई भाई? वो भी तो आपकी की जिम्मेदारी है। बंगाल में होम मिनिस्टर, स्टेट गवर्नमेंट चुपचाप बैठे हुए, सस्पेंड किया कि नहीं? अधिकारी को सस्पेंड किया कि नहीं? टीएमसी के ब्लॉक प्रेसिडेंट जो उसको अरेस्ट किया गया नहीं? लोकल टीएमसी लीडर को अरेस्ट किया गया नहीं? आपके इशारे पे काम कर रहे हैं, भुगतान नहीं दिया, इशारे पे काम करती है मीडिया, सब कुछ किसी का पुलिस वाले की हिम्मत है कि वो नहीं मानेंगे, वो हादसा मानकर बैठे हुए हैं, वो कह रहे हैं बदले की कार्रवाई है, वो नहीं मानेंगे, वो सोच कर बैठे हैं कि हाँ भाई उनकी सीएम कह रही है कि इससे बड़े हादसे तो यूपी बिहार में, उनको बचाना है, इनकी सीएम कह रही है इससे ज्यादा तो यूपी बिहार में हो जाता है भाई, क्या बड़ी बात है ये? ये देखिए स्वागत द्वार लगाया गया ममता बनर्जी के लिए, आइए आपका स्वागत है, स्वागत नहीं करोगे हमारा? ममता बनर्जी का स्वागत हो रहा वीरभूम में, जैसे बहुत बड़ा जश्न है वहां पर, बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी चुनावी सभा है, ये देखिए ये तैयार हो रहा था स्वागत द्वार, ये तबके शॉट है और स्वागत द्वार बनाया गया। बादल देवनाथ बादल जी एक मिनट रुके, थोड़ा कम कर दीजिए, सवाल भी सुना करिए आप, लगातार आप बोले जाते हैं, हमसे पूछ नहीं पाता है कोई, आवाज आ रही आपको मेरी? बिल्कुल आ रहा है। बादल देवनाथ, आपको बुरा लगा ये तस्वीरें देखकर कि किसी नेता का ऐसा स्वागत होना चाहिए जहां पर नरसंहार हो गया, महिलाओं बच्चों को जला दिया गया, बुरा लग रहा है नहीं लग रहा है? बुरा तो उस बात के लिए लगता है जब नेशनल हार्ट नेशनल चैलेंज में कुछ लोग होता है जो भाजपा का पक्ष लेते हैं। मैं महिलाओं का पक्ष ले रहा हूँ, बच्चे जिनको जलाया गया उनका पक्ष ले रहा हूँ भाई, आपको भी उनका पक्ष लेना चाहिए। ये देखिए द्वार बनाया गया, ये फुल स्क्रीन पर द्वार दिखाइए भाई एक बार, ये देखिए द्वार बनाया गया, एक बार फुल स्क्रीन पर दिखाइए, ये बादल देवनाथ ये द्वार देखिए, ये द्वार बनाया गया तोरण द्वार, ममता बनर्जी पधार रही है, स्वागत करिए उनका, ये देखिए यहाँ पर बच्चे जला दिए, महिलाएं जला दी, इनके लिए द्वार बनाया गया, स्वागत नहीं करोगे हमारा ममता बनर्जी? बताइए दीदी काम करती है, ये जश्न हो रहा है वहां पर, ये देखिए ये वो जगह है जहाँ पर सबसे भयावह खौफनाक वो हादसा नहीं बल्कि हत्या, ये क्रूरता की पराकाष्ठा, ये वो तस्वीरें, मतलब वहां पर ये दिल को कचोट देने वाली तस्वीरें, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, स्वागत हो रहा है कि ममता बनर्जी हाथ जोड़कर चेहरे पर मुस्कान और उनका स्वागत हो रहा है, वीरभूम में आपका स्वागत है, जैसे बहुत बड़ी जंग लड़कर वो आ रही है, वहां पर दो बच्चे, 6 महिलाएं, 8 लोगों को जिंदा भून दिया गया, दुख की घड़ी है, मातम का माहौल है, वो ये परिवार वो ये तस्वीरें देखेगा, सोचिए उनके जहन पर क्या क्या बीतेगी, क्या गुजरेगी उनके दिल पर, ये राहत की उम्मीद हो रही है सरकार से, पहली सरकार मानकर चल रही है कि हादसा है, टीएमसी के नेता कह रहे हैं कि शॉर्ट सर्किट हो गया तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जलाने से पहले पिटाई की भी खबर आ गई है, अब ये भी हो गया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अब ये भी खबर आ रही है कि जिंदा जलाने से पहले मारा गया, पीटा गया लोगों को, तो शॉर्ट सर्किट से पिटाई भी हो जाती है बादल देवनाथ? इशकरण सिंह भंडारी, आपको लग रहा है ये एसआईटी बनाई गई है, न्याय की उम्मीद कहा जा रहा है, एसआईटी बनाई गई है, हाई कोर्ट ने इंटरफेयर किया कि गवाहों को सिक्योरिटी दी जाए, न्याय हो पाएगा? अमन भाई हमें 2-3 बातें पहले सिलसिलेवार समझ लेनी चाहिए, क्योंकि राजनीति तो होती रहेगी, कि लॉ एंड ऑर्डर एक राज्य का सब्जेक्ट है, स्टेट सब्जेक्ट है, जहां भी लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर होगा, चाहे वो किसी नेता को मारा गया हो या कोई अलेजेड बदला हो, वो सीधा सीधा सवाल प्रदेश सरकार पे उठेगा। पर एक बात बार बार हम यूपी की करते हैं तो मैं करना चाहता हूँ, अभी यूपी में चुनाव हुआ, बहुत बड़ा चुनाव था, बहुत लोगों ने एफर्ट मारे, यहां तक खबरें आई कि बीजेपी के इस नेता को इस गांव में घुसने नहीं दिया, ये हुआ।